दर्शक बंधु ए सप्ताह रे शेष रे आम एभली एक प्रसंग बाबद आलोचना करिबा विशेष करके विधानसभा अधारु बंद हो जाए भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित लोकप्रतिनिधि विधायक जो मान कौन आचरण और उच्चारण को लेकिन गृह भितर जहाँ आचरण थी आपंती गृह बाहर जो आचरण प्रदर्शन करते प्रमुख विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित विधायक मैंने भी आपने देखी एवं पूरी जाकि आज महाप्रभु श्रीजगन्नाथ पाखे आउ गोटे प्रकार चेहरा को प्रदर्शित करने को चेष्टा कर तेणु तीन प्रकार भिन्न प्रकार आचरण देखा मिली एथर विधानसभा अधिवेशन भितर एवं सरीगला एने की आम आलोचना करवा मो सहित वरिष्ठ सांबादिक केदार मिश्र रही श्रीयुक्त तो केदार मिश्र विशेष करके गोटे विरोधी दल हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और तार निर्वाचित विधायक मानू विधानसभा आप कमी देखा पाइले आचरण प्रथम दिन जहाँ थी गृह भितर प्लाकार्ड युद्ध पर गृह को शुद्धिकरण परवर्त समय आप देखे आउ गोटे नुआ संस्करण आसला बाड़ियापिटा कले पुलिस आक्रमण कले एवं परवर्त समय आज देखा मिली श्रीमंदिर जाइंट महाप्रभु जगन्नाथ पाखे शरण पशि देखो प्रथम कथा हूँ गोटे लेजिस्लेटिव प्रक्रिया रे गोटे सांविधानिक गणतांत्रिक अनुष्ठान विधानसभा कार्यावली सहित महाप्रभु जगन्नाथ संपर्क कौन महाप्रभु जगन्नाथ हूँ सबु मणिषंकर सबु जीवस्तार ठाकुर राजनीति आपणकर विधान सभार राजनीति भितर को टाणीटा ये गोटे अत्यंत निंदन एवं मानने अत्यंत अशोभन कथा द्वितीय कथा हूँ जे जो विधानसभा भितर एवं विधानसभा बाहर आम विधायक मान कौन प्रमाणित करने चाहूँ आपण मन को जनसाधारण निर्वाचित कर आईन या लोकंर सुख सुविधा विषय आलोचना करने आपन से काम की न करी अत्यधिक समय देखा जाऊँ केवल गोटे थिएट्रिक्स विधानसभा चली किए विधानसभा ताला पकेला किए विधानसभा शुद्धि कला युड़ाक हूँ केवल थिएट्रिक्स जो बड़े आपड़ गोटे कौन प्रकार मीनिंगफुल लेजिस्लेटिव प्रोसेस सफल हो नाबले आपड़ नाटकबाजी करटकबाजी तो हूँ आम लेजिस्लेटिव प्रोसेस सब बड़ शत्रु जोटा किद ते सुप्रीम कोर्ट माननीय मुख्य विचारपति जो क्वेश्चन कले जे आपण मैंने जो आईन तैयारी कर आईन विषय आपण मैं आलोचना करना जहाँ फल से आईन को जो आम कार्यकारी करवाद करते देखा से आईन गुडा बहुत गुटा लुप अर्थ हो तेणु ये जो विधायक विधायक अर्थ हूँ कि आईन तैयारी कै आईन तैयारी कर जो नाटकबाजी चली नाटकबाजी गोटे प्रकार अश्लील स्तर को चली जाऊे आस्ते आस्ते अश्लीलता कौटि ना कौटि बंद हवा दरकार द्वितीय कथा हूँ गोटे आत्मबंधन भी करवा दरकार बास्तव में आप जो प्रसंग उठाऊ धरतु आप राज्य में गोटे निर्दिष्ट प्रसंग को लेकर आप सरकार विरोध में कौन सरकार विरोध में आंदोलन कर विक्षोभ कर सबू सब प्रकार अधिकार आपंकर अच्छे कि विरोध करार तरीका कौन ये आप विधानसभा चलई देवे ना विधानसभा चलई नदार अर्थ हूँ आप जो निर्वाचित होती से व्यवस्था प्रति आप असमान कर विधानसभा भितर प्रसंग को उठात विधानसभा भितर प्रसंग को आलोचना करतु ताकि आप गोटे पूरा गोटे पर गोटे सीसन आपन संपूर्ण भाव बर्बाद कर भारतीय जनता पार्टी गोटे परंपरा सेत मन थी पूर्वतन मंत्री अरुण जेटली से कहते पार्ट अफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिते पार्लियामेंट विरोधी डिस्टर्ब करती से बहुत कथ दिशे पार्लियामेंट एथिक्स लेजिस्लेटिव एथिक्स कथा कहती निज बड़क जो कथ आसे से पार्लियामेंटरी एथिक्स को मानती ना तर लेजिस्लेटिव प्रोसेस कौन आस्था थाए बर अत्यंत निंदन भाव में महाप्रभु जगन्नाथ सहित जोड़ा जे गृह भितर बीजेपी विधायक मैंने जहाँ कले सारा ओडिशावासी देखिले परवर्त समय रे आज राज्यपाल को भेटुचे कहीं विधानसभा बंद हो गला विधानसभा बंद हवा अगणतांत्रिक महाप्रभु जगन्नाथ निकट में पहुंचिक प्रार्थना करनिटा चित्र को आप कि तुलना करेंगे ये कौ संदेश बीजेपी लोकों पाखे पहुंचे बीजेपी कौ चरित्र को लोकों पाखे उजागर कर
भारतीय जनता पार्टी मत लगुच गोटे नेतृत्वशील दल जे बास्तव कौन करवाक चाहूं बोध विजे बची करता जे राज्य सभापति अच्छा सी कौटी भिजबुल नुहति विरोधी दल नेता असुस्थ होकर अच्छा विरोधी दल नेता किए हे ताकि दुई जन वरिष्ठ विधायक भितर मैंने गोटे प्रकार बाकयुद्ध चलती तेणु गोटे प्रकार नेतृत्व शून्य दिशाहीन अवस्था हेले जहा हुए भारतीय जनता पार्टी जो विधायक दल अच्छी अवस्था ठीक से या हूँ आपण को कौन दिशा ना आपण कौन मुद्दा ना कौन प्रसंग ना जो प्रसंग में आलोचना करेंगे परंतु ममता मेहर गोटे प्रसंग से प्रसंग को लेकर आप आलोचना नहीं करना आप चेषा कर बिल्कुल विधानसभा चलई दौना आम तो विधानसभा चल दायित्व हूँ सरकारी दल रहा गोटे कथा हूँ विधानसभा को बंद न करी सरकार गोटे दायित्व था विधानसभा को चलिए रखा से कम सरकार करवा उचित था कि जब सरकार भावुचति भावुचे विधानसभा चली पार नहीं बाचस्पति जहां निष्पत्ति ना कथा ने राज्यपाल पाखे मैंने फेर अभाव देना ठीक अच्छे कि जगन्नाथ को फेर आ देवे यार मान कौन जगन्नाथ कौन आप विधानसभा बाचस्पति जगन्नाथ हूँ सरकार ठाकुर विरोधी दल ठाकुर आपड़ कहीं जानते आपंकर पेटी पॉलिटिक्स रे महाप्रभु जगन्नाथ को टाणीबा यहाँ गोटे अति कदर्ज श्रीजुक्त मिश्र दिटा चित्र आपको देखेबी जे गोटे पटे आपंकर मन थी विगत पार्लियामेंट सेशन ने अनुरोध अनुनय विनय विरोध दल को हाउस टी चलवाक दिंतु मानते भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन सरकार गोटे आभिमुख्य पार्लियामेंट क्षेत्र में आज देखुते आउ गोटे आभिमुख्य ओडिशा विधानसभा क्षेत्र में देखा मिले ना हाउस टा के शीघ्र बंद हो तो जो डबल आभिमुख्य विशेष करके मानते पार्लियामेंट हो विधानसभा परिचालन को लेकिन ये पॉलिटिकली गोटे मानते नेगेटिव इंपैक्ट तैयारी कर विशेष करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति को लेकिन देखो ये सब बड़ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े सरकार को आप कौटी उत्तरदायी करेंगे आपन जब विधानसभा चलेबाक देवे नहीं सरकार को कौटी प्रश्न पचारे कौटी आप सरकार उत्तरदायित्व मागे विरोधी दल राम हो सरकार को विधानसभा भितर घेरिबे विधानसभा भितर उत्तरदायी करेंगे दैट इज द राइट प्लेस आपन जब से प्लेस टा को बंद करदे से प्लेस टा अचल करदे आप भावतु सरकार किसी असुविधा हम कारण सरकार मैंडेट पाई सरकार गोटे एक्जिक्यूटिव रोल अच्छी किंतु सबुठ बड़ भूमिका लेजिस्लेचर आपंकर जो रोल टा अच्छी टू ग्रिल द गवर्नमेंट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट वेयर डू यू डू दैट रास्तार आप प्रश्न पचारे से तार जो अथेंटिसिटी रही कथा से रास्तार अथेंटिसिटी लेजिस्लेटिव असेंबली भितर अथेंटिसिटी समान नुह तेणु सब बेले विरोधी दल हो सरकारी दल विधायक मान गोटे बड़ दायित्व हूँ टू रन द असेंबली पार्लियामेंट हो कि असेंबली हूँ सीटा चलवा दरकार विधानसभा चलने जा प्रसंग उठे पारे आप भावुं विधानसभा चलते ना अर्थ आप कौटि ना कौटि सरकार को गोटे फ्री पास दौर श्रीजुक्त मिश्र गोटे कथा सीधा भाव को जानवाक चाहिए जे यही विधानसभा विरोधी दल को जदि देखा जाए विशेष करके भारतीय जनता पार्टी कारण आप जानते सी हूँ प्रमुख विरोधी दल ये रही भारतीय जनता पार्टी आभिमुख्य जो तीन चार चित्र उपर आप मतामत आप रखिले गृह भितर एवं बाहर से जो आभिमुख्य को लेकिन राज्यवासी पाखक कौन संदेश गला भारतीय जनता पार्टी बाबद कौन चर्चा आलोचना हो पाए ये संभावना को आप देखुं देखो तो भारतीय जनता पार्टी गोटे दिशाहीन नेतृत्वहीन दल भावे काम कर द्वितीय कथा हूँ भारतीय जनता पार्टी पाखे केवल गोटे निर्दिष्ट क्षेत्र धरत कौट गोटे क्राइम घटू सेटा परिघटना होता ममता मेहर घटना हो अर्थात गोटे निर्दिष्ट अपराध को आखि आगे रखिकी ये मैंने राजनीति करता या राज्यर आय कौन प्रसंग ना या प्रसंग हूँ जे गोटे कौटि गोटे अपराध घटा से अपराध आधार में राजनीति करवा तृतीय कथा की रोच जे अपराध जनित जो राजनीति हूँ से राजनीति आप डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करपन या आपण कौन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना आप नेगोसिएशन पॉलिटिक्स करना आप डायलॉग करना आप केवल बीजेपी अधिक रु अधिक क्षति हो कारण आपण विधानसभा भितर आलोचना करने चाहूना
ବିଧାନସଭା ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରା ଜେଲରେ ଅଛି। ଏଠି ଏଠି ତ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଦିଗଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ, ଏଠି ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ପରା ଜେଲରେ ଅଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ତା ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବିଜେପି ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ହଉଛି ଯେ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜନୀତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଫଳ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି କାମ କରିବା କଥା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନେତା ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାଳୀନ ଏବଂ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବିଜେପିର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ସଙ୍କଟ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ଲୋକ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଯେ ବିଜେପିର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଅଛି ତାର ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନାଟକବାଜୀ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଏଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନାଟକବାଜୀ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠେଇବାରେ ବିଫଳ ହେବେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଦେଖେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଦାର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କେଦାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନ ପାଇବା ପରେ 2019 ପରଠାରୁ ତାର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବାହାରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚଲାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଠି ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ଏଥର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ଯାହା ଗୃହ ଭିତରେ କଲେ, ଘଣ୍ଟ ପିଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଲୋଗାନବାଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏକ ରକମ ପୁରା ମଜବୁର କଲେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅଧରୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନାଟକବାଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆସନ ବା ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣକୁ ନେଇକି ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ତାହେଲେ ସିଧା ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଯାହା ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇଏ ପୁଣି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ ତ ବିଜେପି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଅଧିକ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା କଥା, ସେ କଥା ନ କରି ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଡରିକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଶରଣ ପଶିବା, ଏଇ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ବା ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ସଫା କରିଛି। ଏଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା। ନମସ୍କାର।